और अब खबरें विस्तार से। अहमदाबाद से ऐसी खबर आई है जो दिल दहला देगी। एक मासूम लड़की के साथ चंद भेड़ियों ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। नाबालिग लड़की के जिस्म को गिद्ध की तरह नोचा गया और इस वहशीपन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। नाबालिग के साथ हुई इस करतूत के बारे में जिसने भी सुना उसके मुंह से एक ही बात निकली, इन दरिंदों को बीच चौराहे पर फांसी दे दो। आप जो देखेंगे और जो सुनेंगे वो दिल दिमाग को झकझोर देगी। एक मासूम नाबालिग को चंद गिद्धों ने मिलकर नोच डाला। वो तड़पती रही, वो रहम की भीख मांगती रही, वो उन भेड़ियों से बचने की खातिर आवाज लगाती रही, लेकिन उन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी। हैवानियत की ये दर्दनाक दास्ता है अहमदाबाद प्रखंड का। अहमदाबाद के इन दरिंदों ने लड़की के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, बल्कि उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे डराते और धमकाते रहे। जानकारी के मुताबिक जब नाबालिग लड़की ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उसके वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और लड़की को ब्लैकमेल करने लगे। इस घिनौनी वारदात को अहमदाबाद के जिन दरिंदों ने अंजाम दिया उनकी पहचान भी कर ली गई। पुलिस के सामने पीड़िता ने जो बयान दिया उससे दरिंदों की पहचान में मदद हुई। पहला आरोपी है अनवर और दूसरे दरिंदे का नाम है अब्दुल्ला। फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तार कर इनको सही ठिकाने पर पुलिस ने पहुंचा दिया है, जहां इनकी इतनी खातिरदारी हुई है कि बदन के कोने कोने से गुब्बारे निकल रहे हैं। इन दरिंदों पर हैवानियत का भूत इस कदर सवार था कि एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता और दूसरा उसका वीडियो शूट करता। रेप का वीडियो बनाकर 24 अप्रैल के बाद से ही नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। वीडियो को वायरल कर देने की धमकी देने के बाद उसके साथ गैंगरेप हुआ। पीड़ित लड़की इस जुल्म को चुपचाप सहती रही, लेकिन एक दिन दरिंदों के पाप का घड़ा भर गया। इस तरह के घिनौने अपराध करने वाले ना किसी धर्म के ताल्लुक रखते हैं और ना ही इसे समाज से कोई मतलब है। इस घिनौनी वारदात के बाद लोग गुस्से में हैं और आरोपियों को बीच चौराहे पे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। देखिए, इससे तो समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कि इस तरह का वीडियो वायरल होना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा। और हम तो उसको मानते हैं जो इस तरह का जो वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छा है, सराहनीय है, लेकिन इस तरह के अश्लील पिक्चर जब लगातार लोग कई तरह के छोड़ते जा रहा है, लोग ऐसे समाज से दुष्प्रभाव बढ़ रहा है, बच्चे लोग पर नुकसानी हो रही है, ऐसे लोग पर हम चाहते हैं कि उस समाज का एक बड़ा मतलब आपराधिक है, वो समझिए उस समाज का आपराधिक है वो, उसको तो समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। हम लोग तो चाहेंगे, कई घटना आ चुकी है और सामने एक दो घटना भी, और हम लोग भी चलते हैं मोटर सोशल मीडिया में देखते हैं आजकल जो लोग ऐसे तैसे लोग पिक्चर देता है, ऐसे लोग पे सरकार को और प्रशासन को चुन चुन कर उसे उचित कार्रवाई करना चाहिए, ताकि वो लोग इस तरह से सबक सीखे। बहुत बुरा संदेश जा रहा है और ये नहीं होना चाहिए, और जो किया है दुष्कर्म और ऐसा दुष्कर्म करके अगर सोशल मीडिया में भेजा है तो बहुत बड़ा घोर अन्याय किया है। जो वैसे घोर अन्याय करने वाले किसी भी जाति और धर्म के लोग हों उसको प्रशासन के द्वारे कड़ी से कड़ी सज़ा, जो सबसे बड़ी कड़ी सज़ा हो, कड़ी से कड़ी सज़ा उसे होनी चाहिए और देना चाहिए, जो कि समाज में सुधार। अपराध करने वाला व्यक्ति समाज का कोर जैसी बीमारी के रूप में माना जाता है। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और दरिंदों के ऐसी सजा दिलाने की तैयारी कर रही है जिससे फिर कोई और दरिंदा फन न फैला सके। केवीसी के लिए अहमदाबाद से इम्तियाज की रिपोर्ट। कटिहार शहर के हॉटलैंड में बिजनेस पढ़ाने का शानदार मौका। मॉल हो, शोरूम हो या दुकान,
ऑफिस हो या स्टोर चाहिए आलिशान, शहर के सबसे शानदार लोकेशन से बढ़ाइए अपना बिजनेस। गेटवे प्लाजा शहीद चौक कटिहार, पूरी तरह फायर प्रूफ बिल्डिंग, लिफ्ट की सुविधा से लैस, 24 घंटे बिजली, हर फ्लोर पर 5500 स्क्वायर फीट एरिया, आधा चाहिए या पूरा फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लेकर फोर्थ फ्लोर तक, हर फ्लोर पर खरीदने से लेकर किराए तक की सुविधा उपलब्ध। किसी भी फ्लोर पर आप बना सकते हैं अपना खूबसूरत आशियाना भी। कॉन्टैक्ट पर्सन मिस्टर अभिजीत 9891094355, मिस्टर अग्रवाल 7004047744।